हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत वर्ष 2022 तक मलेरिया के बाहर से आने वाले केसों में कमी आएगी और वर्ष 2030 तक मलेरिया को भारत से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। सिविल अस्पताल में मलेरिया के जाँच के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मलेरिया की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप मलेरिया के केसों में 40% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि हतीन के ऐसे गांव जहां मलेरिया का प्रकोप ज्यादा है, उन गांवों की जोहड़ों तालाबों में गंबुजिया मछली छोड़ी जा रही है जो मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है, मच्छरों की पैदावार को कम करना, मच्छर ज्यादा पैदा ना हो, जिसके लिए जहाँ पे भी मच्छर पैदा होते हैं कोई भी पानी जहाँ कलेक्शन होगी वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाएगा। तो हमें कोई भी ऐसा कलेक्शन है, आपको पता है कि किसी भी घड़े में, टायर में, ऊपर ओवरहेड टैंक में या हमारे घरों में भी जो कूलर वगैरह हैं उन सब में मच्छर लगभग 7 दिन में पैदा हो जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग स्टॉप कर सके। दूसरा और जो ज़रूरी काम है, कोई भी बुखार हो उसमें खून की जाँच कराना, ताकि अगर किसी भी मरीज में मलेरिया के रोगाणु हैं तो उसको हम रेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि उसके शरीर के सारे कीटाणुओं को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि कल को अगर उसे मच्छर काटे भी तो वो मलेरिया को आगे ना बढ़ाए। तो एक तरफ तो मच्छरों की पैदावार को रोकना है और दूसरा जो कीटाणु है जो हमारे मनुष्यों में ही रहता है तो वहाँ पर भी उसको ख़त्म करना, तभी हम मलेरिया को ख़त्म कर पाएंगे।